गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 28 जून हो रहा है और मैं अभी हूँ चांदरोड़ा। और अभी चांदरोड़ा से निकला हूँ, आप देख सकते हो ये चांदरोड़ा गांव है। और फ्रेंड्स, मैं कल दोपहर को गया था मुंद्रा पोर्ट में, BMF में, वहाँ से लोडिंग करके रात को आ गया था चांदरोड़ा। 11-12 बजे का रात को आ गया था, वीडियो तो नहीं बना पाया था। और अभी निकला और फ्रेंड्स अपना माल है अहमदाबाद सर्कस नोएट्री का, और अभी आराम आराम से निकलेंगे फ्रेंड्स। अपना टायर अहमदाबाद में अगली चक्कर में एक इतना बड़ा चैनल था उसके ऊपर टायर चढ़ गया था, तो नया टायर फट गया था और 20-25 रुपये का घाटा हो गया था अपना। और अभी मैंने वहाँ पे पंचर वाले के पास में रख दिया और अभी उधर कट बनाए गए, कट बना के पकाएंगे। तो अभी फोन तो किया था तो बोल रहा था कि भाई अपना टायर रेडी हो गया, अभी देखते हैं उधर कितना खर्चा आता है और आपको दिखाएंगे टायर कैसे बनाया है और आपको दिखा देंगे कैसे फटा था। थोड़ा सुबह सुबह में मेन प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए नुकसान ज़्यादा हो गया। अभी आराम से निकले हैं, पहले गंदाम के पास में है पंचर वाला, उधर पैच बना के फिर कंप्लीट करके डाल देंगे और फिर निकल पड़ेंगे। और एक और गाड़ी भाई साथ में है, वो अभी गंदाम खड़ा है, अभी फोन किया था, वो भी रेडी है, अभी वो भी अभी साथ में मिल जाएगा। तो अपना ऐसा कुछ माल है, इसको नहीं रहा ज़्यादा। और सामने भारत कंपनी का पंप, ऐसा कुछ नजारा है। अभी बारिश तो है नहीं, कल परसों था थोड़ा बहुत, अभी निकल पड़े आराम आराम से अपनी मंजिल की तरफ। और थोड़ा नोएट्री का माल है तो रात में अंदर डालना पड़ेगा। और ये है हमारे राजा का मंदिर, बहुत अच्छा व्यू है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आ गए अपने टायर के पास, पंचर वाले के पास। यहाँ पे टायर रखा था और ये अपना टायर है, ऐसा कुछ नजर आए। टायर में हो गया सा बड़ा कट और लेफ्ट साइड राइट साइड में चेक लगा के ये उतारना पड़ेगा, ये इसकी जोड़ी का टायर है। तो फाइनली फ्रेंड्स अपना टायर है रेडी और अपना गाड़ी सामने खड़ा कर दिया, जैक भी लगा दिया, अभी टायर लगा देंगे और टायर लगा के फिर निकल जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स अपना टायर फिटिंग करके कंप्लीट हो कर निकल गए हम, और अभी 2 बजने वाला है। मैंने अभी पंचर वाले के पास सब टायर वायर फिटिंग कर दिया और ये लोकेशन था पडाणा के पास में। तो टोटल अपना मतलब टायर का खर्चा आया अपने को 3,000। ट्यूब भी फट गया था और टायर में भी बहुत बड़ा कट था, तो उसको पका दिया और पका के फिर 1-2 दिन रख के अभी लगा दिया और अभी निकल चुके हैं और अभी पडाणा पहुंच चुके हैं। देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, अभी आराम आराम से जाएंगे। और ये पडाणा गांव है और पडाणा गांव का ये गेट है, सामने देख सकते हो ऐसा कुछ व्यू है। और आराम आराम से भी जाएंगे और अभी वो भरत भाई है वो पीछे है, वो भी घर से अभी निकल रहे हैं, अभी फ़ोन किया था मैंने, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तब तक मैं आराम आराम से आके चलता हूँ,
अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है, मतलब गर्मी ज़्यादा हो रहा है। आगे गए चलते हैं, आप पूरा एंड तक वीडियो पे बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने समचली पार किया है और अभी बारिश फुल चालू हो गया है, आप देख सकते हो बहुत बारिश आ रहा है। अभी साइड में तो गिलास चढ़ा भी है, बाकी अभी आ रहा हूँ, चलना पड़ेगा, बारिश ज़्यादा आ रहा है, साइड गिलास में भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हो। भी ज्यादा है और बारिश भी साथ में आ रहा है। वाइपर को करते हैं चालू, कैसा व्यू आ रहा है? ठीक ठीक आ रहा है, वाइपर भी थोड़ा बहुत टूट गया है, अभी वाइपर को कहीं नया लेना पड़ेगा, फिर कुछ जाएंगे अभी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, मैं अभी हूँ वनियारी टोल पे और अभी अपना यहाँ पे फास्टैग टैग नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा है। ये ऐसा कुछ व्यू है इधर का, और इधर देखो नंदी महाराज है, देख सकते हो एक वो सामने जा रहा है। अभी खाना थोड़ा बहुत मिल रहा है, ये देखो ये एक वो है, वो तो गाय माता है, और ये भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, अभी रिटर्न आ रहा है यहाँ पे, और अपना माल आपको दिखाता हूँ। अंदर में ऐसा कुछ माल है, पैकिंग है, और अभी मैंने कागज भी लगाया है क्योंकि बारिश में भीग गया था, इसकी वजह से ऐसा कुछ यू है। चलो देखते हैं, थोड़ी देर आ देखते हैं, फिर अंदर डालेंगे, फिर टैग होता है नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का 8 बज रहा है और अभी हूँ मैं सरखेज में, और सामने वाला जो ब्रिज दिख रहा है वो सरखेज का ब्रिज है, और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे गाड़ी खाली करने के लिए। ऐसा कुछ व्यू है, और ये भरत भाई का गाड़ी है, आप देख सकते हो, और अभी बारिश बारिश तो है नहीं, अभी हम जा रहे चाय पीने, चलो बाद में मिलते हैं। बहुत सारे टेम्पो खड़े सामने है भरत भाई, तो फ्रेंड्स अपना गाड़ी फाइनली अनलोडिंग पॉइंट पे लग गया है, और एक तरफ से गाड़ी खाली भी हो रहा है, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी ज़्यादा हो रहा है, और एकदम छोटी पतली गली है उसमें गाड़ी लगाया हुआ है, साइड में जगह तो बहुत कम है, लेकिन मुश्किल से रिवीस गाड़ी लेके आया, और इधर से देख सकते हो अपना गाड़ी खाली करना चालू है, फोर क्लिप लगा हुआ है, ये कोई इटाची से बड़े बड़े हेवी मशीन का माल है जो विदेश से आता है और मुंद्रा पोर्ट में उतरता है, यहाँ से फिर आता है अहमदाबाद के लिए अपनी प्लेटफॉर्म गाड़ियों में, खुली गाड़ियों में। वैसे तो माल पैकिंग रहता है, सामने उसका गोडाउन बना हुआ है, दोनों गाड़ी यहाँ पे ही खाली होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली भरत भाई का गाड़ी भी लग गया है तो खाली करना चालू हो गया है, एक सप्ते कैसे खाली हो रहा है, और क्लिप से माल सब निकालते हैं, बॉक्स में बहुत सारा वजन
लगा हुआ है। अगर हम आपसे इधर एक दो तीन टन के आसपास कुछ एक एक बॉक्स में अवेलेबल होगा और मस्ती मुझे आपके साथ में काम हो रहा है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का जो बज चुका है और मैं अभी हूँ बावड़ा में। फ्रेंड्स, अपना गाड़ी तो सुबह में उधर जल्दी खाली हो गया था और अभी एक नया ऑर्डर आया था तो मैंने नोएंट्री में से 1 बजे निकाल लिया था और अभी इधर भरने आया हूँ बावड़ा के पास में। माल तो क्या है पता नहीं, अपना ये गाड़ी खड़ा है और पूरा ये बारिश का सब है ये कामकाज। और अभी बोल रहे हैं एंट्री तो बाद में ही करेंगे, तो पहले गाड़ी थोड़ा अंदर ले लेते हैं आके, फिर देखेंगे। एंट्री तो बोल रहा है जब गाड़ी अंदर लेगा तभी एंट्री करेगा, तो चलो थोड़ा गाड़ी आगे ले लेते हैं, देखते हैं। टायर घूमता है, टायर तो घूम रहा है। ये सब ऐसा जगह है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है सामने लेने का है। साइड में दबा देते हैं, जब बुलाएंगे तब ले लेंगे गाड़ी अंदर। भी साइड में लगा देते हैं, ये माटी थोड़ा चिकना माटी है, टायर घूमने लगता है। सामने कपनी है, ये सब वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। वहाँ तो थोड़ा नो एंट्री का दिक्कत था, लेकिन अभी 1 बजे तो नज़दीक में गाड़ी जैसे, वैसे तो बाहर ही था गाड़ी, नो एंट्री में इतना अंदर नहीं था, इसलिए अपना गाड़ी खाली हो गया और हमने बाहर निकल लिया। बाकी पूरा अंदर रहता है तो गाड़ी नहीं निकलता है, तो फिर रात को 10-11 बजे के बाद ही निकलता है। तो ये तो फायदा हो गया कि थोड़ा बाहर ही था, मतलब तो जल्दी बाहर गाड़ी आ गया। बाकी ऐसा कुछ है, चलो अभी देखते हैं कब तक लोडिंग होता है। अभी कागज त्रिपल सब मारना पड़ेगा, वो तो परेशानी की बात है, क्या करेंगे। फिर मेहनत तो करना ही है, वहाँ भी त्रिपल मारा ही था और यहाँ पे भी मारने पड़ेगा, क्योंकि त्रिपल वाला माल है, पानी में भीगेगा तो थोड़ा दिक्कत है इसलिए। चलो तो फिर देखते हैं कब तक लोडिंग होता है और क्या माल है, त्रिपल मारना ही पड़ेगा लगभग। तो आप हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ सोलर लोड करने। ये सोलर है छाडवाड़ा कच्छ का और वहाँ से 1 बजे नो एंट्री में से निकल गया था और भर गया है पे गाड़ी अपना। फाइनली फ्रेंड्स, गाड़ी लोड करके मैं आ गया हूँ कंपनी से बाहर और मेन रोड पे अभी बावड़ा दौड़ का रोड के ऊपर हूँ। अभी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, डीजल भरवाया यहाँ से। और ये त्रिपाल ऐसे कुछ मैंने बांधा है, मैंने अकेले ही फ्रेंड्स बांधा है, बहुत तकलीफ के बाद ये ऐसे बांधा है। और ज़्यादा था तो थोड़ा बहुत उड़ रहा था। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा विराम गांव, और विराम गांव से फिर मेन रोड पे अहमदाबाद मालिया वाला रोड पे। और यहाँ पे मैंने 10,000 का डीजल डाल दिया है और चलो यहाँ से निकलते हैं, अपना जर्नी करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी
सुबह का 10 बज रहा है, मैं हूँ अभी शाम 11, और अभी ट्रॉलना का पास किया और अभी बॉर्डर के पास पहुँचने वाला हूँ। और अपना पार्टी वाले से बात हो गया, और पार्टी वाला बोल रहा है कि घाट वाला ब्रिज के नीचे रामदेव पीर महाराज का मंदिर है, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ आके कॉल करना है। नहीं, वहाँ तक जाते हैं और फिर फोन करते हैं उसको, देखते हैं कब तक खाली होता है। अभी बारिश का टाइम है तो कुछ अभी एक दिन फाइनल टाइम तो कोई आएगा नहीं अभी, बाकी अभी यार आराम से जा रहे हैं। और बारिश ना है तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा तकलीफ होगा। और अभी 6 लाइन पे हैं हम, तो अभी देखते हैं कब कब तक वो आता है पालती वाला और हमको हमारा अपना गाड़ी लेके जाता है। और अपनी गाड़ी में सोलर प्लेट है सूर्य प्रकाश वाली, तो वहाँ पे कोई सोलर प्लांट बन रहा है इसलिए वहाँ पे जा रहा है। अभी उधर जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अभी साधवाड़ा ब्रिज तो सामने आ ही रहा है, देख सकते हो, बस आधा किलोमीटर बचा है। चलो तो पालती वालों को करते हैं फोन, देखते हैं कब तक आता है लेने के लिए।